तो फाइनली गाइस यार मुझे ये वाला न्यू फ्लाइंग डायनो अपनी इंडियन मैक्सन वाली गेम के अंदर मिल चुका है। नहीं, मैं नहीं मानता। अरे हाँ यार गाइस मुझे अपनी गेम के अंदर ये वाला न्यू फ्लाइंग डायनो अपनी गेम के अंदर देखने को मिल चुका है बे साले। क्योंकि यार गाइस आज की सली वीडियो के अंदर फिर से हम सब लोग मिथबसस को कंफर्म या फिर बस करने जा रहे हैं, तो इसी वजह से गाइस यार वीडियो काफी ज्यादा अमेजिंग होने जा रही है, तो इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक वॉच कर लेना। अगर अभी तक आपको लगने हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिना कोई देरी करे जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक करके साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। अगर आप लोगों ने अभी तक अपना कोई मिथ कमेंट नहीं किया तो फटाफट से इसी वीडियो के नीचे अपना मिथ कमेंट कर देना। चलो आप लोगों का बिना कोई टाइम गवाए फटाफट से हम लोग अपने सबसे पहले मिथ की तरफ बढ़ लेते हैं। चलो। मिथ हमारे घर के बाहर जो फॉर्चुनर खड़ी रहती है उसमें हर टाइम साइलेंसर से धुआं निकलता रहता है, तो चलो फटाफट से यहाँ पर मैं अपने घर के अंदर ही हूँ। चलो घर के अंदर से यहाँ पर बाहर निकलते हैं और यहाँ पर हमारी फॉर्चुनर खड़ी हुई है। एंड आप सब लोग यहाँ पर मैं आ गया इसके साइलेंसर के पास। लोग यहाँ पर देख सकते हो हमारी फॉर्चुनर वो यहाँ पर खड़ी हुई है। एंड भाई साहब बिना वजह ही इसके साइलेंसर से यहाँ पर धुआं निकल रहा है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो अभी तो यहाँ पर इसमें से ब्लैक सा यहाँ पर धुआं निकल रहा है और यहाँ पर अभी यहाँ पर थोड़ा टाइम में यहाँ पर रुका रहूंगा तो यहाँ पर हमारा ग्रे कलर का भी यहाँ पर धुआं निकलेगा। मेरे ख्याल से तो यहाँ पर दो टाइप होते हैं धुएं के। अब देखो अब यहाँ पर ग्रे कलर का धुआं निकल रहा है, पर पहले तो यहाँ पर हमारा ब्लैक कलर का यहाँ पर धुआं निकल रहा था हमारी फॉर्चुनर के अंदर। और यहाँ पर देखो फॉर्चुनर को जब हम चलाते हैं तभी धुआं निकलना चाहिए, पर अभी तो यहाँ पर ये स्टे एक ही जगह पर खड़ी हुई है, पर फिर भी इसके साइलेंसर से धुआं निकलता ही रहता है। तो यहाँ पर ये वाला मिथ हमारा कन्फर्मड होता है यार यहाँ पर ये वाला। अगर हम घर के बाहर आकर स्काई फॉल करेंगे तो हमारी कार गायब हो जाएगी और इनफिनाइट हेल्थ लगा के करना, तो फिर चलो फटाफट से हम लोग सबसे पहले तो अपनी इनफिनाइट हेल्थ लगा लेते हैं 9129 के चिटको नंबर से। उसके बाद यहाँ पर 1120 है हमारे स्काई फॉल का चिटको नंबर, तो यहाँ पर हमारा कैरेक्टर स्काई फॉल करने लग चुका है। जब हमारा करेक्टर नीचे गिरेगा तो हम लोग को पता चल जाएगा कि हमारी यहाँ पर कार गायब होती है या फिर नहीं, तो आप सब लोग यहाँ पर देख सकते हो। मेरे को तो भाई साहब अभी से आप सब लोग देख सकते हो हमारी नीचे फॉर्चुनर खड़ी हुई थी वो भाई साहब यहाँ पर हमारी गायब हो चुकी है और मेरे करेक्टर को यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि इनफिनिट हेल्थ हम लोगों ने यहाँ पर लगा रखी थी। तो आप सब लोग यहाँ पर देख सकते हो जो हमारी फॉर्चुनर है वो यहाँ पर हमारी गायब हो चुकी है। जैसे ही मैं यहाँ पर स्काई फॉल करके नीचे आया हूँ, तो जैसे ही हम लोग अपने घर के बाहर आके स्काई फॉल करते हैं इनफिनिट हेल्थ लगाने के बाद और फिर जैसे ही नीचे आते हैं तो यहाँ पर हमारी जो फॉर्चुनर खड़ी रहती है वो यहाँ पर हमारी गायब हो जाती है हमारी इंडियन मैक्स वाली गेम के अंदर। फॉर्चुनर हमारी गायब तो नहीं हुए, बस डिस्पोन ही हो चुकी है हमारी गेम से। तो यहाँ पर ये वाला मैं तुम्हारा कन्फर्म होता है यहाँ पर ये वाला। अगर 4x8 डायल करो और स्पीड करके बार बार गनोला ओपन करो फिर देखो मैजिक। तो यार मेरे को जितना लगता है कि भाई ने यहाँ पर 4x8 जो चीट कोड दिया है वो यहाँ पर हमारी बाइक का चीट कोड नंबर है जो कि यहाँ पर हमारी ड्यूक बाइक है मेरे ख्याल से। तो यहाँ पर हमारी ड्यूक 1290 आ चुकी है। चलो फटाफट से इसके अंदर बैठते हैं एंड फिर हम लोग इसको स्पीड दे के यहाँ पर अपने गनोला ऑप्शन यहाँ पर खोलना है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो तो अभी से हमारी बाइक विली करने लग चुकी थी। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मैं यहाँ पर एक्सीलेटर दे रहा हूँ और यहाँ पर अपने गनोले ऑप्शन को यहाँ पर बार बार यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो जैसे कि यहाँ पर भाई ने बोला था और भाई ने बोला था कि फिर यहाँ पर हमारा मैजिक हो रहा मैजिक होगा। तो यहाँ पर आप सब लोग देखो मैं अपने गनले ऑप्शन को यहाँ पर बार बार दबा रहा हूँ और बार बार इसको खोल भी रहा हूँ और मैंने यहाँ पर एक्सीलेटर भी यहाँ पर फुली यहाँ पर दबा के रखा है। एंड आप सब लोग यहाँ पर देख सो मैंने यहाँ पर अपने गनले ऑप्शन को यहाँ पर पूरा खोल के रखा है। अब तो यहाँ पर स्लो मोशन की तरह हमारे यहाँ पर बंदा अपनी यहाँ पर बाइक को ड्राइव कर रहा है, पर यहाँ पर देखो मैं एक्सीलेटर देते देते यहाँ पर अपने गनले ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करूँ और आप सब लोग यहाँ पर देखो अभी तक तो हमारा यहाँ पर कोई सा भी यहाँ पर मैजिक नहीं। और आप सब लोग यहाँ पर देखो गनले ऑप्शन को यहाँ पर दबा रहा हूँ कोई सा भी यहाँ पर मैजिक नहीं हो रहा और यहाँ पर हमारा बंदा तो पार्क के अंदर ही हार चुका है। भाई साहब अपनी बाइक से गिर के यहाँ पर पार्क की ग्रास के ऊपर गिर चुका है। आप सब लोग यहाँ पर देख सकते हो। चलो कोई बात नहीं, खैर एक और बार यहाँ पर मैं ड्यूक 1290 मतलब कि 4x8 से जो हमारी बाइक आती है उसके अंदर बैठते फिर से हम सब लोग यहाँ पर एक्सीलेटर देते देते अपनी गनले ऑप्शन को यहाँ पर ओपन करते हैं फिर देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर मैं दोबारा से इसके अंदर बैठ चुका हूँ एंड यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक्सीलेटर देते देते यहाँ पर अपने गनले ऑप्शन को यहाँ पर बार बार क्लिक कर रहा। आप सब लोग यहाँ पर देखो हमारे साथ तो यहाँ पर कोई भी मैजिक नहीं हो रहा। आप सब लोग यहाँ पर देखो कब से लेकर यहाँ पर मैंने एक्सीलेटर भी दबा के रखे और अपने गनले ऑप्शन को भी यहाँ पर बार बार क्लिक कर रहा हूँ बार बार खोल रहा हूँ पर यहाँ पर तो हमारा कोई सा भी मैजिक नहीं। और आप सब लोग यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर ये वाला मैं तुम्हारा बस्टेड होता है यार यहाँ पर ये वाला दोस्तों। बाकी आप सब लोग बताना कि इस वाले मिथ को मैंने सही से किया या फिर नहीं। बाकी ये वाला मैं तुम्हारा बस्टेड होता है यार यहाँ पर ये वाला। अगर आप रोसेस को आरपीजी से डिस्ट्रॉय कर देंगे फिर उसको आरजीबी करेंगे तो होगा मैजिक। चलो फिर बिना कोई टाइम को टिकर हम लोग इस मिथ को भी यहाँ पर ट्राई कर लेते हैं। चलो फटाफट से अपने सेलफोन निकालता हूँ एंड यहाँ पर अपनी रोल्स को स्पॉन कर लेता हूँ 2000 के चीट कोड नंबर से। यहाँ पर हमारी रोल्स आ चुकी है। अब चलो फटाफट से आरपीजी निकालता हूँ एंड यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने आरपीजी फायर कर दिया एंड यहाँ पर हमारी रोल्स ब्लास्ट हो चुकी है डिस्ट्रॉय हो चुकी है। अब चलो यहाँ पर मैंने इसको आरजीबी कलर किया तो आप सब लोग यहाँ पर देख सकते हो हमारी जो रोल्स है वो ब्लास्ट होने के बाद भी यहाँ पर आरजीबी हो चुकी है। यहाँ पर आप सब लोग देख सकते हो डिस्ट्रॉय तो नहीं हुई। पहले अगर हम लोग किसी भी कार को यहाँ पर ब्लास्ट करते हैं तो वो पूरी की पूरी राख हो जाती है काली हो जाती है, पर इसमें सिर्फ भाई साहब यहाँ पर धुआं निकल रहा है। यहाँ पर इसको आरजीबी कलर किया तो यहाँ पर हम लोग को आरजीबी कलर पूरा का पूरा यहाँ पर विजिबल हो रहा है।
इसके सारे पार्ट्स भी यहाँ पर आरजीबी हो चुके हैं, आप सब लोग यहाँ पर देख सकते हो। और यहाँ पर मैं इसके ऊपर खड़ा हो गया एंड अब आप सब लोग देखो हमारे जो रोल्स है वो यहाँ पर डिस्पोन हो चुकी है। और यहाँ पर वाला मैं तुम्हारा कंफर्म होता है हमारी जो यहाँ पर रोल्स है वो ब्लास्ट होने के बाद भी आरजीबी हो गई थी। विद न्यू हाउस में बेड और टेबल के बीच में स्टिकी बम लगा के आरपीजी से ब्लास्ट करोगे तो होगा मैजिक। चलो फिर फटाफट से यहाँ पर मैं घर के अंदर चलता हूँ एंड फिर हम लोग को वो जगह तो पता है क्योंकि यहाँ पर भाई ने बेड के बारे में बात की है। तो बेड और टेबल यहाँ पर दोनों एक साथ पड़े हुए और इन दोनों के बीच में यहाँ पर गैप है, तो इस गैप के अंदर ही हम लोग को यहाँ पर स्टिक बम लगाने, फिर हम लोग को इनके ऊपर आरपीजी फायर करना है। तो यहाँ पर जब तक भाई साहब मैं यहाँ पर अपने ये स्टिक बम लगा रहा हूँ तब तक अगर आप सोलह के पास भी अपना कोई मेथ हो तो आप सोलह अपना मेथ इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। आप सोलह के मेथ को हम लोग अगली वीडियो के अंदर जरूर जरूर ट्राई करेंगे। बाकी अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से हमारे वीडियो को लाइक करके साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना यार। बाकी यार मैं काफी दिनों से एक्टिव नहीं था अपने चैनल पर तो उसके लिए मैं आप सबसे काफी ज्यादा सॉरी हूँ क्योंकि यार मेरे को थोड़ा बहुत काम था। अभी यहाँ पर हमारे स्टिक बम मेरे ख्याल से काफी है, अब चलो फटाफट से इनसे दूर चलता हूँ एंड फिर इनके ऊपर यहाँ पर मैं आरपीजी को फायर करते हैं फिर देखते हैं क्या होता है। तो मैंने आरपीजी फायर किया कुछ भी नहीं हुआ पर दूसरे आरपीजी पर आप लोग यहाँ पर देखो, अरे भाई साहब यहाँ पर ये क्या हो गया, कहीं रॉकेट लॉन्च तो नहीं हो रहा भाई साहब, यहाँ पर देखो कहीं मेरे घर को आग तो नहीं लग गई, यहाँ पर देखो कुछ भी नहीं हुआ, बस यहाँ पर जो हमारा रॉकेट वगैरह है वो यहाँ पर आप सब लोग देखो ऐसा लगा कि यहाँ पर कोई चीज यहाँ पर हमारे घर के अंदर लॉन्च हो रही है एंड यहाँ पर देखो फिर से आरपीजी मारा, फिर से यहाँ पर देखो कतई खतरनाक सा यहाँ पर इफेक्ट आ गया, ऐसा लग रहा है कि मेरा घर यहाँ पर जल गया। यहाँ पर देखो मेरे घर का तो यहाँ पर बाल भी बाकी नहीं हुआ एंड अगर फिर से यहाँ पर मैं इनके ऊपर आरपीजी को फायर करता हूँ स्टिकी बॉम्ब पर अब की बारी भी क्या वैसे ही यहाँ पर चीज होने वाली। यहाँ पर देखो फिर से भाई साहब अब तो काफी ज्यादा बड़ी वो वाली चीज हो चुकी है, ऐसा लग रहा है कि मेरा घर अब बस फट गया भाई साहब, ऐसा लग रहा है कि दिवाली भाई साहब मना रहा हूँ वो भी अपने घर के अंदर मना रहा हूँ, घर के अंदर ही मैं फटाके फोड़ रहा हूँ। तो यहाँ पर ये वाला मिथ हमारा कन्फर्म होता है क्योंकि भाई साहब दिवाली के फटाके फूट रहे हैं हमारे घर के अंदर यार। बढ़ते हैं अगले मिथ की तरफ। मिथ अगर आप कार शोरूम में जाकर हाउस कलर येलो करोगे तो कार शोरूम का कलर येलो हो जाएगा। हम लोग यहाँ पर कार शोरूम पर पहुंचने ही वाले हैं, बस कार शोरूम हमारे यहाँ पर आगे ही है। तो चलो फटाफट से कार शोरूम पर मैं यहाँ पर पहुंच चुका हूँ, आप सब लोग यहाँ पर देख सकते हो एंड चलो फटाफट से मैं अपनी ड्यूक से यहाँ पर उतर चुका हूँ। चलो फटाफट से यहाँ पर मैं अपनी सेलफोन निकालता हूँ एंड आप सब लोग देख सकते हो हमारे शोरूम का कलर अभी तो यहाँ पर व्हाइट हुआ पड़ा है, पर अगर मैं यहाँ पर अपने हाउस का कलर येलो लिखता हूँ तो क्या हमारे भी यहाँ पर शोरूम का कलर भी यहाँ पर येलो हो जाएगा। यहाँ पर मैंने कलर हाउस कलर येलो लिख दिया एंड यहाँ पर मैं टिक कर दिया तो आप सब लोग देख सकते हो जो हमारे शोरूम का कलर है वो भी भाई साहब यहाँ पर हमारा येलो हो चुका है और हमारे हाउस कलर तो वैसे भी यहाँ पर येलो हो गया ही होगा। अब चलो फटाफट से एक और बार यहाँ पर मैं इसको हाउस कलर यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पर अब की बार में यहाँ पर मैंने ब्लू लिखा है हाउस कलर ब्लू, तो यहाँ पर हमारे हाउस का कलर भी ब्लू हो चुका है और हमारे शोरूम का कलर भी यहाँ पर ब्लू हो चुका है, आप सब लोग यहाँ पर देख सकते हो। मेरे ख्याल से यहाँ पर हमारे शोरूम का कलर यहाँ पर ब्लैक भी हो सकता है, यहाँ पर मैंने हाउस कलर ब्लैक लिख दिया एंड यहाँ पर मैं टिक कर दिया। आप सब लोग यहाँ पर देखो यहाँ पर ना ही हमारे हाउस का कलर ब्लैक हुआ है और ना ही हमारे शोरूम का कलर, पर अगर मैं यहाँ पर अपने हाउस का कलर यहाँ पर व्हाइट लिखूंगा तो यहाँ पर हमारे हाउस कलर भी नॉर्मली व्हाइट हो जाएगा और हमारे शोरूम का कलर भी यहाँ पर नॉर्मली से व्हाइट हो चुका है। यहाँ पर ये वाला मैथ हमारा कन्फर्म होता है अगर हम लोग इंडियन मार्क्स गेम के अंदर आरजी सूल के अंदर अगर अपने हाउस का कलर येलो लिखेंगे तो हमारे यहाँ पर जो शोरूम का कलर उसका कलर भी यहाँ पर येलो हो जाएगा। बाकी ये वाला मिथ कन्फर्म है, तो बढ़ते हैं अगले मिथ की तरफ। मिथ अगर आप अपने न्यू हाउस के सोफे वाले रूम में आकर वहाँ कुछ भी स्पॉन करेंगे तो वो सब जिम वाले रूम के अंदर स्पॉन हो जाएगा। तो चलो फटाफट से हम लोग घर के अंदर चलते हैं, यहाँ पर आप सब लोग देख सकते हो ये रहा हमारे सोफे वाला रूम। अब चलो फटाफट से यहाँ पर मैं खड़े रहकर अपनी कोई सी भी यहाँ पर चीज मंगा लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं अपनी सेलफोन खोल दिए, हम लोग यहाँ पर बड़ी चीज को स्पॉन करते हैं हमारे फायर ट्रक को, 606 चीट कोड हमारे फायर ट्रक का एंड यहाँ पर हमारा चीट कोड एक्टिवेट हो चुका है एंड मेरे ख्याल से हमारा जो फायर ट्रक है वो हमारे जिम वाले रूम के अंदर आ चुका होगा। आप चलो फटाफट से यहाँ पर मैं ऊपर चलता हूँ एंड देखते हैं कौन से जिम वाले रूम के अंदर आया है। तो आप सब लोग यहाँ पर देख सकते हो हमारा ऊपर उठा हुआ जिम रूम है उसके अंदर यहाँ पर हमारा फायर ट्रक स्पॉन हो चुका है, आप सब लोग यहाँ पर देख सकते हो। बल्कि यहाँ पर मैंने नीचे सोफे वाले रूम से भाई साहब यहाँ पर अपना चीट कोड एक्टिवेट किया था और यहाँ पर जो हमारा फायर ट्रक है वो यहाँ पर ऊपर यहाँ पर जिम वाले रूम के अंदर आ चुका है एंड यहाँ पर दूसरा हमारा जो यहाँ पर बेड वाला रूम है अगर मैं उसके अंदर यहाँ पर अपने फायर ट्रक को स्पॉन करूंगा तो वो फायर ट्रक यहाँ पर हमारा कहाँ पर स्पॉन होगा। तो यहाँ पर मैं अपने फायर ट्रक को मंगा लिया, मेरे ख्याल से ये भी हमारा जिम वाले रूम के ही अंदर स्पॉन होगा। तो आप सब लोग यहाँ पर देख सकते हो जो ऊपर वाला जिम रूम है उसके अंदर अगर हम लोग को कुछ भी चीज मंगानी है तो हम लोग को सोफे वाले रूम के अंदर स्पॉन करना होगा एंड अगर हम लोग बेड वाले रूम के अंदर कोई सी भी चीज का चीट कोड नंबर एक्टिवेट करते हैं तो वो दूसरे जिम वाले रूम के अंदर यहाँ पर स्पॉन हो जाएंगे दोनों चीजें। ऐसे ही करके आप सब लोग इन दोनों को यहाँ पर जिम वाले रूम के अंदर ला सकते हैं अपनी इंडियन मार्क्स गेम के अंदर। तो यार यहाँ पर ये वाला मिथ हमारा कन्फर्म होता है यार यहाँ पर ये वाला दोस्तों। तो फिर बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले मिथ की तरफ। यहाँ पर मिथ अगर स्विमिंग पूल के अंदर घोस्ट राइडर बाइक को स्पॉन करके थोड़ा दूर जाकर देखो इनविजिबल लगती है घोस्ट राइडर बाइक, हमारे बिल्कुल सामने यहाँ पर हमारे घर का स्विमिंग पूल है। अब चलो फटाफट से हम लोग इसके अंदर यहाँ पर अपनी घोस्ट राइडर बाइक को यहाँ पर स्पॉन कर लेते हैं 4x5 के यहाँ पर चीट कोड नंबर से। यहाँ पर अपनी घोस्ट राइडर बाइक आ चुकी है एंड यहाँ पर मैंने भाई साहब मून ग्रेविटी लगा के रखी है। चलो फटाफट से यहाँ पर अपनी मून ग्रेविटी को डीएक्टिवेट कर लेते हैं, 7112 मून ग्रेविटी का चीट कोड नंबर और फिर से मैंने वही डायल किया तो यहाँ पर मून ग्रेविटी चीट कोड डीएक्टिवेट हो चुका है। आप सब लोग यहाँ पर देखो थोड़ा हम लोग दूर चलते हैं फिर देखते हैं घोस्ट राइडर बाइक, आप सब लोग यहाँ पर देख तो अरे बेंस किया यहाँ पर देखो मेरे को तो सच्ची में यहाँ पर घोस्ट राइडर बाइक से यहाँ पर थोड़ा ही यहाँ पर दूर गए हो तो यहाँ पर मेरे को घोस्ट राइडर जो बाइक है वो यहाँ पर मेरे को इनविजिबल देखने को मिल रही है। बल्कि आप सब लोग यहाँ पर देखो इसकी जो यहाँ पर आग निकल रही है वही मेरे को देखने को मिल रही है। थोड़ा बहुत और यहाँ पर मैं दूर चल
चलता हूँ यहाँ पर मैं इस दूसरे कोने पर आ चुका हूँ स्विमिंग पूल के। अब तो आप सब लोग यहाँ पर देखो, अब तो सिर्फ मेरे को यहाँ पर आग ही यहाँ पर निकलती हुई पानी से देखने को मिल रही है और थोड़ा बहुत यहाँ पर गोसड़ बाइक का यहाँ पर मेरे को हैंडल देखने को मिल रहा है। आप सब लोग वही देखने को मिल रहा होगा भाई। तब आप सब लोग यहाँ पर देखो स्विमिंग पूल से जैसे ही थोड़ा दूर गया तो यहाँ पर जो हमारी गोसड़ बाइक है उसका यहाँ पर वो हमारी यहाँ पर इनविजिबल ही हो गई है। वो तो यहाँ पर मेरे को देखने को नहीं मिल रही, बस यहाँ पर इसकी जो यहाँ पर आग निकल रही वही मेरे को यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो यार दोस्तों यहाँ पर ये वाला मैं तुम्हारा कन्फर्म होता है यार यहाँ पर ये वाला। तो बस फिर यार दोस्तों आज की समय वीडियो के अंदर बस इतने कुछ मिस से जो कि आप सब लोग ने मुझे कमेंट किया और मैंने अपनी वीडियो के अंदर ट्राई किए। तो यार दोस्तों अगर आप सब लोग के पास भी अपना कोई मिस हो तो आप सब लोग इसी वीडियो के नीचे अपने मिथ को कमेंट कर सकते हो। आप सब लोग के मिथ को हम लोग अगली वीडियो के अंदर जरूर ट्राई करेंगे। बाकी अगर आप सब लोग के पास अपना कोई मिथ ना हो तो आप सब लोग अपना चीट कोड नंबर कमेंट कर सकते हो। आप सब लोग का मिथ होगा या फिर चीट कोड नंबर होगा, हम लोग उसको अगली वीडियो के अंदर जरूर ट्राई करेंगे। बाकी अगर आप सब लोग ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से बिना कुछ देर करके जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक करके साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलता हूं सर से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड दुआओं में याद रखना। मैं मिलता हूं सर से नेक्स्ट वीडियो के अंदर और मैंने काफी दिनों से वीडियो नहीं डाली है, अब तो मैं यहां पर अपने चैनल के अंदर रेगुलर होने वाला हूं। बाकी टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय।